नमस्कार फ्रेंड्स, रील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। छज्जा आपको दिखाई दे रहा है, लगभग टूटने की हालत में है। कितना सुंदर बनाया हुआ ये महल है। वही झरोखे, वही सब कुछ एक जैसा। छत पे बनाया हुआ नमस्कार फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं कुलपहाड़ के सेनापति महल। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं महोबा जिले के अंतर्गत आने वाला कुलपहाड़, जो गांव है उसमें बना हुआ है महाराजा छत्रसाल के पोते का महल, जिसे सेनापति कहा जाता था। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ चलते हैं उस सेनापति महल की ओर। तो चलें। नमस्कार फ्रेंड, हिल टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि पीछे कुलपहाड़ शहर में हम इस वक्त मौजूद हैं। दोस्तों, महोबा ज़िले से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुलपहाड़ शहर। दोस्तों, कुलपहाड़ शहर बहुत ही प्राचीन शहर है, जो ब्रिटिश शासन के टाइम पर बनाया हुआ शहर था, जिसमें कुलपहाड़ शहर में आज भी ब्रिटिश शासन से जुड़ी हुई कुछ इमारतें हैं, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत ही यहाँ काफ़ी सारे चर्च हैं, बहुत पुरानी यहाँ पे ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें हैं, और उसी शासन के टाइम पे बनाया गया ये रेल मार्ग है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। यही कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन है, जो लगभग महोबा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और कुलपहाड़ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नौगांव छतरपुर रोड पर स्थित सेनापति महल। तो हम आपको उसी सेनापति महल के बारे में कुछ जानकारी देंगे वहाँ पहुँचकर। तो दोस्तों, मेरे साथ चलिए उस सेनापति महल के को देखने के लिए। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं सेनापति महल। तो आप वो सामने जो देख रहे हैं, यही वो सेनापति महल है। अब हम आपको उसके पास लेके चलते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो चलिए मेरे साथ।
दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं सेनापति महल के बिल्कुल पास में। हम बाहर ही इस महल के खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं इस महल को, जो कि सेनापति महल के नाम से जाना जाता है, जो कुल पहाड़ में स्थित है। और आप ये देख रहे हैं, ये महल लगभग 3 मंजिला बना हुआ महल है, जो आज भी लगभग अच्छी कंडीशन तो नहीं कह सकते, फिर भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी हालत में है। इसका देख रेख आजकल पुरातत्व विभाग के हाथ में है, जो लगभग 1996 से इसकी देख रेख कर रहा है। दोस्तों उन्हीं सेनापति की याद में बनाई गई वो प्रतिमा, जिसे आप देख रहे हैं सामने, जो घोड़े पे बैठे हुए सेनापति जी की प्रतिमा है, जिसको देखकर लोग बताते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और इस महल के पास में, और इसके बारे में कुछ और देखते हैं, पता करते हैं कैसे बना हुआ था, कब का बना हुआ है। दोस्तों अब हम महल के बिल्कुल नज़दीक मेन गेट पे आ चुके हैं। आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये महल देखिए आप। सबसे पहले महल को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है, जो कि चूना पत्थर से बनाया हुआ महल है, जिसकी आप नक्काशी देख सकते हैं चारों तरफ कितने सुंदर ढंग से बनाई गई। चूने पत्थर से ये नक्काशी है, जो कि आप देख रहे होंगे। और जो छज्जा आपको दिखाई दे रहा है, लगभग टूटने की हालत में है, अब इसकी देख रेख और मरम्मत का काम चल रहा है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस खूबसूरत महल को 17वीं शताब्दी में जैतपुर के राजा जगत राज द्वारा बनाया गया था, अपने बेटे सेनापति के लिए इस महल का निर्माण कराया। ये राजा छत्रसाल के पोते थे सेनापति। ये महल नौगांव रोड पर स्थित एक 3 मंजिला लंबा और खूबसूरत महल है। भारतीय पुरातत्व विभाग इसे लगभग 1996 से इसकी देख रेख कर रहा है और इसका काम भी अब जोरों शोरों से चल रहा है इसके जीर्णोद्धार के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सेनापति महल जो है कि कितनी भव्यता से बनाया हुआ महल है। इसकी जो ऊपर आप छत देख रहे हैं, इसकी जो नक्काशी थी लगभग के अब गिर चुकी है, लेकिन ये महल अभी भी अपने इन खंभों के ऊपर, अभी भी आज भी पहाड़ के ऊपर इन खंभों के ऊपर आज भी टिका हुआ है। ना ही दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई सीमेंट या किसी चीज़ की इसमें इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अब हम महल के बीचों बीच बने इस बरामदे में खड़े हुए हैं। आप महल के दोनों तरफ देख सकते हैं, इस तरफ आपको और उस तरफ आपको दोनों तरफ कमरे दिखाई दे रहे होंगे। अब हम आपको इस कमरे के अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं इस कमरे के अंदर है क्या। जैसे ही दोस्तों हम कमरे के अंदर आए, तो आप देख सकते हैं कि पुरातत्व विभाग की तरफ से इसकी छत की मरम्मत की गई है, जो कि गाटर और सीमेंट वगैरह से इसको ठीक किया गया है। दोस्तों इस महल पे आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये जो खिड़कियाँ विंडो आप देख सकते हैं, इससे कुलपहाड़ शहर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जी सामने आप जो देख रहे हैं ये कुलपहाड़ शहर है, और इस विंडो से आप मतलब इस विंडो से या झरोके से जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, कितना खूबसूरत दृश्य ये देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ दोस्तों एक दरवाज़ा विंडो आप कह सकते हैं और है, यहाँ भी हम आपको लेके चल रहे हैं, और वहाँ से भी आपको कुलपहाड़ शहर का दृश्य जो कि थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा, कितना अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों आजकल इसकी मरम्मत का काम चल रहा है, तो यहाँ आप जो भी देख रहे होंगे लगभग सीमेंट से इसको, इसकी छतें वगैरह अभी भी ठीक करी गई हैं। इसी कमरे से निकलते हुए इसके दूसरे दरवाजे से हम जा रहे हैं बाहर की ओर, तो आप देख रहे हैं ये चारों तरफ जो एक लगभग दरवाज़ा एक लगा हुआ था, वो तो उखाड़ लिया गया है या उखाड़ के फेंक दिया गया, इस बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों जैसी पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था महाराजा छत्रसाल के बेटे हृदय शाह के महल के बारे में, सेम उसी प्रकार का ये महल जो आप देख रहे होंगे। आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके या फिर हमारे चैनल पे जाके डायरेक्ट आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिस जैसे महाराजा छत्रसाल के बेटे हृदय शाह के लिए महल बनवाया गया था, सेम उसी प्रकार से इस महल को भी लगभग उसी डिज़ाइन में बनाया गया है। वो महल उनके बेटे का था, यह महल उनके पोते का महल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और एक तरफ से इस तरफ से भी आपको हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से एक विंडो दी गई है, जो कभी रास्ता हुआ करता था, जो अब बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ बहुत ही बेहतरीन किला है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर इसके ऊपर चढ़ने की जगह मिलती है तो हम आपको वहाँ भी लेके चलते हैं। फिलहाल में हम आपको
अभी हम थोड़ी देर के बाद इसके दीवार जो है इसके उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको दूसरे कमरे की ओर लेके चलते हैं जो कि आप देख रहे हैं। दूसरे कमरे को भी अपने बेटे हृदय शाह के जैसे महल की दीवारें जितनी चौड़ी थी उसी प्रकार इस महल की भी दीवारें काफ़ी चौड़ी बनाई गई हैं जो आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ भी दो विंडो दी गई हैं जिससे आप देख सकते हैं कुलपहाड़ शहर का बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको सामने जो आप देख रहे हैं वो रोड जो जा रही है वो कुलपहाड़ शहर के से नौगांव की तरफ जाती हुई रोड है। इसी तहसील के सामने कुलपहाड़ तहसील के ही सामने जस्ट बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो ये सेनापति महल आपको नज़र आएगा जो आपको हम बाहर से दिखाएंगे थोड़ी देर में। दोस्तों एक विंडो और है, आप यहाँ भी देख सकते हैं वो विंडो, यहाँ से भी वही नज़ारा देखने को मिलता है जो नज़ारा उस विंडो से देखने को मिलता था। तो दोस्तों आइए मेरे साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं इस महल में जो बारीकी से नक्काशी की गई है, जो आप दिए दानों में आप देख सकते हैं यहाँ राजा महाराजा अपने दिए वगैरह रखते थे, इस दिए दान में भी आप देख सकते हैं कि चूने पत्थर से की गई नक्काशी है, चूने से की गई नक्काशी है जो आज के टाइम में असंभव सा होता है, जो आज के इस टाइम में कोई भी व्यक्ति इतनी सुंदर और सिर्फ चूने से की गई नक्काशी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों हम फिर उसी महल के बरामदे में लेके आ गए हैं आपको। अब हम आपको इसके ऊपर लेके चलेंगे, शायद अगर रास्ता होगी तो आपको ज़रूर इसके ऊपर लेके चलेंगे। दोस्तों कुछ महल का हिस्सा लगभग ध्वस्त हो चुका है या कह सकते हैं टूट चुका है, समय की मार के वजह से ये है महल है लगभग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों अब हम आपको इस महल के ऊपर की ओर लेके चलते हैं और देखते हैं इस महल पे दूसरी मंजिल पे चढ़ के। तो आइए दोस्तों मेरे साथ इस महल के दूसरी फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से क्या दिखाई देता है। दोस्तों एक कमरे के ऊपर बनाया गया एक कमरा और आप देख रहे हैं ये आ चुका है। उससे पहले हम आपको इस खिड़की से दोबारा से आपको कुलपहाड़ शहर का बहुत सुंदर व्यू दिखाई देगा जो आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना सुंदर व्यू है जो यहाँ से पहाड़ के ऊपर बने हुए महल की एक विंडो से दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम आपको इसके अंदर लेके आ गए हैं दूसरी मंजिल में जो कि एक कमरे के ऊपर बनाया गया दूसरा कमरा है। दोस्तों इसी कमरे की भी छत लगभग पुरातत्व विभाग की तरफ से इसको मरम्मत करके ठीक कराई गई है और इसके हम बैक साइड देखते हैं तो बहुत सुंदर छज्जा निकाल के दिया हुआ है जो अब झरोखा था पहले, आप जो देख सकते हैं ये छोटा छोटा झरोखे तो बने हुए थे, इससे बनी हुई दीवार थी जो लगभग अब टूट के गिर चुकी है, फिर भी हम आपको लेके आए हैं इसके पास। आप देखिए दोस्तों यहाँ से और भी सुंदर कुलपहाड़ के सारे पहाड़ों का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुलपहाड़ शहर का नाम कुलपहाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ हैं जिसे देख के लोगों ने इसका नाम कुलपहाड़ शहर रखा है। दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है, इस शहर को पहाड़ों की नगरी यानी कुलपहाड़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी छज्जे के ऊपर हम खड़े थे, हमने इसके ऊपर देखा जो कि बहुत बेहतरीन चूने पत्थर से की गई कारीगरी है, चूने से बनाए गए सुंदर सुंदर चित्र जो आप देख रहे हैं जो लगभग एक ही साइज़ के और एक ही जैसे बनाए गए चित्र हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। हम दूसरे फ्लोर के छज्जे पे खड़े हुए हैं, अब हम आपको इसी महल के तीसरे फ्लोर में लेके चलते हैं। दोस्तों तीसरे फ्लोर के लिए जाने के लिए कमरे के दूसरी तरफ से रास्ता बनाया गया है जो कि बहुत सुंदर रास्ता है। दोस्तों तो आइए हम आपको इसके टॉप फ्लोर पर लेके चल रहे हैं। दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ सबसे ऊपर तीसरे फ्लोर का, आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं सेनापति महल के तीसरे फ्लोर के ऊपर यानी छत के ऊपर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया हुआ ये महल है जिसे आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत से और कितनी सुंदर कारीगरी से बनाया गया ये महल है। दोस्तों अब उसी के ऊपर तीसरे फ्लोर के कमरे के उसी कमरे के सबसे ऊपर वाले तीसरे कमरे ऊपर लेके चलते हैं, तो आइए मेरे साथ। दोस्तों
ये 17वीं शताब्दी का बनाया हुआ महल है जो आज तक अभी तक सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है अभी तक सबसे सुरक्षित हिस्सों में से एक है। नीचे का हिस्सा लगभग थोड़ा बहुत टूट चुका है, पर जो इसकी अभी कारीगरी है आप देख सकते हैं कि अभी भी इसकी जितनी भी चित्रकारी है, जो बनाए हुए फूल पत्ती, जो विंडो पे बनाई गई है, जो कि खिड़कियों पे बनाया गया है, आज भी पूरी तरीके से मौजूद है। कहीं भी कोई भी इसमें तोड़फोड़ या नुकसान वाली कोई बात नहीं हुई है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं सुंदर सुंदर चित्रकारी जो सिर्फ आपको कुल पहाड़ के सेनापति महल में ही देखने को मिलती है। और ये सामने आप देख रहे हैं दिया, जी हाँ, राजा महाराजा इसी पे अपना जो रात के टाइम होता था उस टाइम यहाँ पे दिए जलाते थे और उसके दिए की रोशनी से यहाँ देखा करते थे। दोस्तों सबसे ऊपर टॉप में झरोखे जैसे लगभग 6 या 7 उन्होंने झरोखे एक कमरे के ऊपर निकाले हैं ताकि गर्मियों के समय पर राजा महाराजा इस तीसरे फ्लोर पर आके जो राजा थे यानी सेनापति थे उन्होंने इस फ्लोर को इस हिसाब से बनाया है ताकि गर्मियों के समय उन्हें कोई दिक्कत ना हो और वो आराम से इसके ऊपर आके अपना दिन या पूरी रात यहाँ काट सके। दोस्तों आप देख सकते हैं दिए के लिए बनाया गया बहुत छोटा सा दिया घर है जो आप देख रहे हैं, बहुत छोटा और बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और साथ में आप ये विंडो देख सकते हैं जहाँ से पूरे कुल पहाड़ पर नज़र रखी जाती होगी या कह सकते हैं कि राजा यहाँ रहता होगा और पूरी कुल पहाड़ नगर के ऊपर पूरा अपना यहाँ से देख के पूरा इसके ऊपर नियंत्रण रखता होगा। दोस्तों कमरे की दूसरी तरफ भी आप देखिए तो सामने वैसा ही दियादान बनाया हुआ है दियादान जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। दोस्तों इसी के पास ही आप देख सकते हैं एक और विंडो है जो सामने कुल पहाड़ का बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। दोस्तों वैसे तो ये महल बनाया गया था राजा छत्रसाल के पोते के लिए जो सेनापति के नाम से जाना जाता था। अब हम आपको इसके सबसे ऊपर छत पे भी ले जाने की कोशिश करेंगे, तो आइए मेरे साथ चलते हैं सबसे ऊपर। ये तीसरी फ्लोर में आ चुके हैं, इसके ऊपर हम छत पे जाने का रास्ता खोजते हैं अगर होगा तो। सामने से देखिए आप दोस्तों, अब आप सामने देख सकते हैं कि जो महल बनाया हुआ है बहुत ही सुंदर और बहुत जो सामने का फ्रंट है ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कारीगरी की हुई है ताकि लोग दूर से इस महल को पहचान जाएं कि ये सेनापति का महल है। दोस्तों अब हम इसके दूसरी तरफ बने हुए कमरे पे आ गए हैं, वो भी कमरा लगभग पूरी तरीके से सुरक्षित है, बस छत की थोड़ी मरम्मत, जैसा कि आपको हमने बताया कि तीनों कमरों में छत की मरम्मत की गई है, तो दोस्तों इसमें छत की मरम्मत की गई है, बाकी जो भी है जैसा है, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। आप देख सकते हैं वही झरोखे, वही सब कुछ एक जैसा। दोस्तों जैसे महाराजा छत्रसाल के बेटे हृदय शाह के लिए बनाया गया महल था उसी, और आप देख रहे हैं जो नीचे वो अस्तबल था जो लगभग अब टूट चुका है, उसकी छत लगभग गिर चुकी है, तो आप यहाँ से ऊपर से उस अस्तबल का नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता हुआ कुल पहाड़ शहर। और आप आइए अब मेरे साथ चलते हैं, इस तीसरे फ्लोर पे हम आ चुके थे, अब हम आपको इसके छत के ऊपर लेके चलते हैं, अगर रास्ता होगा ऊपर जाने का तो इसको हम आपको ज़रूर लेके चलते हैं, तो आइए मेरे साथ इस छत के ऊपर चलने का। कोई ना कोई बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए छोटे छोटे रास्ते जो आपके महल की सबसे ऊपर छत के ऊपर लेके जाते हैं, बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ रास्ता है लेकिन कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है। छत पे बनाया हुआ बहुत बहुत सुंदर छत है दोस्तों इसकी, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको जो तीसरे फ्लोर की जिसे कह सकते हैं बरामदा है वो दिखाई दे रहा है, तीसरे फ्लोर यानी थर्ड फ्लोर का बरामदा। और सामने आप जो देख रहे हो दोस्तों वो सामने पहाड़ और वो उसी के बगल में बना हुआ एक तालाब है जो आपको यहाँ से साफ दिखाई देता होगा। दोस्तों इस छत के ऊपर आने से जैसे आप महाराजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी के लिए जो बनाया गया महल है उसी महल की ही तरह इन गुंबदों को बनाया गया है आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा
तो मस्तानी महल वाला वीडियो आप ज़रूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही और उसी प्रकार से बनाई गई कारीगरी है जो उस महल में की गई थी, जो आज इस महल में भी की गई है। दोस्तों, ये महल लगभग 17वीं शताब्दी से यहाँ मौजूद है, पर आज भी इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये महल के लगभग अभी मुश्किल से 50 या 60 साल में ही अभी बन के तैयार हुआ हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बना महल है ये, और इसमें बने छोटे छोटे छज्जे, शायद वहाँ जाना अलाउड है या नहीं है। और इसकी कारीगरी देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर कारीगरी है जो देखते ही बनती है। और ख़ास बात यह है, यह इतना ऊंचा और लंबा महल बनाने में कितना समय लगा होगा ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं छत के ऊपर, आप वो सामने गैलरी देख रहे हैं, वहाँ छज्जे के ऊपर हम आपको लेके चलेंगे। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो आप मेरे साथ उस छज्जे तक चलिए, वहाँ से हम महल को नीचे की तरफ देखेंगे और उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि वह महल का नज़ारा कैसे दिखाई देता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं उस छज्जे के ऊपर, हम आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, यहाँ बनी हुई बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं जो कि चढ़ने उतरने में काफ़ी मुश्किल होती है दोस्तों, और इसी के साथ से बनी हुई ये जो सीढ़ियाँ हैं ये उसी छज्जे के ऊपर हमें लेके जाती हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सेनापति महल के छज्जे के तीसरे फ्लोर के छज्जे पे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि महल कितनी ऊंचाई पे बनाया गया महल है। यहाँ से पूरा का पूरा कुल पहाड़ शहर आपको दिखाई देगा। दोस्तों, जैसा कि हम छज्जे पे आ चुके हैं, इस छज्जे पे सेनापति के जो सैनिक थे, जो महल की रक्षा किया करते थे, कहा जाता है कि वह सेनापति के जो रक्षक थे वो इस महल के पास इस छत के ऊपर चारों तरफ जो ये छज्जे बने हैं उनके ऊपर खड़े होते थे और यहाँ से पूरे शहर के ऊपर नज़ारा या कह सकते हैं निगाहें रखते थे ताकि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई पड़ोस वाला कोई कुछ हरकत ना करे। दोस्तों, उनके सेनापति के जो अंगरक्षक थे वो महल की रक्षा करने के लिए कुछ यहाँ जो सैनिक थे उसी छज्जे पे कहा जाता है कि बिठा के रखते थे ताकि कोई भी पड़ोसी राजा इस महल के ऊपर आँख उठा के ना देख सकें। दोस्तों, कुछ छोटे छोटे गुंबद आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो सामने बने हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। वो सेनापति अपने सैनिकों के लिए ताकि इस महल की रक्षा की जाए दूर दूर तक बने हुए चौकियां कह सकते हैं, वो चौकियां बना रखी थी। ऐसी ही चौकियां यहां महल के चारों तरफ आपको देखने की मिलेंगी जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर महल से स्थित है। दोस्तों, अब हम इस कमरे की दूसरी छत पे जाने की सोच रहे हैं, पर रास्ता दोस्तों यहाँ से है नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं इस महल के उस तरफ जाने का, इस महल के दूसरे तरफ वाले कमरे पे जाने का। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, अब आप सामने वो देख रहे होंगे, वो एक कमरा है, उस जो तीसरे फ्लोर का आखिरी कमरा था उसकी छत से अब हम इस दूसरे छत पे आ चुके हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वही मस्तानी महल वाली कारीगरी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी, और वही हृदय शाह जो छत्रसाल के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, उनके महल में जो की गई कारीगरी है वो यहाँ कुलपहाड़ में भी वही कारीगरी आपको कुलपहाड़ के इस महल सेनापति महल में भी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ से भी बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा पूरे कुलपहाड़ का दिखाई देता है। दोस्तों, आज भी देखिए आप ऊपर कितनी सुंदर जो ये गुंबद है, कह सकते हैं कि ये कारीगरी कितनी सुंदर की गई है जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, इसके चारों तरफ आप देखिए महल के
ऊपर से ये कितना भव्य दिखाई देता है दोस्तों। इसके चारों तरफ आप देखिए, महल के छत को देखिए, ये चारों तरफ आप घूम के एक बार छत को देख सकते हैं कि कितनी सुंदर, नीचे से भी सुंदर इसकी छत को बनाई गई है, ताकि दूर से कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि यह किसी गरीब राजा का महल है, बल्कि लोगों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि यह राजा के दूर से ही ये समझ में आना चाहिए कि ये महाराजा छत्रसाल जी के पोते जगतराज का, सेनापति का यह महल है। उसी प्रकार से की गई ये कारीगरी, जो कि आपने धुबैला छतरपुर ज़िले में जो धुबैला है वहाँ देखी होगी। तो हमने आपको इस महल के ऊपर, छत के ऊपर, सेकंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर, सभी मंजिलों में हमने आपको दिखाया। अब हम आपको इस महल के सबसे नीचे यानी पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू पहले बताया था। तो आइए मेरे साथ इस महल के बैक साइड चल के देखेंगे कि वहाँ जाने के लिए कोई जगह है कि नहीं है। वहाँ से भी इसकी थोड़ी बहुत आपको तस्वीरें दिखाई देंगी, वहाँ से देखने में ये कैसा नज़र आता है। तो आइए मेरे साथ अब हम चलते हैं नीचे की ओर। दोस्तों अब हम फिर उसी थर्ड फ्लोर वाले कमरे में आ गए हैं, यहाँ से हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। लगता है दोस्तों रास्ता भूल चुके हैं। हाँ तो आइए दोस्तों, ये महल बिल्कुल भूल भुलैयों की तरह बनाया गया है, ताकि एकदम से इसके अंदर कोई ना आ सके। सीढ़ियाँ भी इस प्रकार बनाई गई हैं ताकि कोई एक सीढ़ी से आके दूसरी सीढ़ी तक पहुँचने में उसे टाइम लगे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस विंडो के ऊपर, आप यहाँ से देखिए सेनापति जी की याद में बनाया गया वह सामने जो उनका जो मूर्ति है, जो इसे कहते हैं स्टैचू है, घोड़े पर बैठे हुए वो सेनापति यानी महाराजा छत्रसाल के पोते का चित्र है। चलो दोस्तों अब हम आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं और इसकी पीछे की तरफ से आपको दिखाई दें महल देखने में कैसा नज़र आता है। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने वहाँ से बताया कि महाराजा छत्रसाल के पोते, उनकी जो प्रतिमा बनाई हुई है, उसको देखने के बाद अब हम नीचे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे नीचे हम पहुँच कैसे सकते हैं। दोस्तों अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पर क्या दोस्तों यहाँ तो अब सीढ़ियाँ ही ख़त्म हैं। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये सीढ़ियाँ ही इस प्रकार से भूल भुलैया की तरह बनाई गई हैं, ताकि कोई भी इस महल के ऊपर आक्रमण न कर सके और ना ही इस महल के ऊपर कोई चढ़ सके। अब आप देख सकते हैं, अगर हम अचानक ही वहाँ पैर रख लेते तो हम सीधा लगभग 100 फुट की गहराई के नीचे पहुँच जाते। पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ढंग से ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति एकदम से भगदड़ मचा के इसके अंदर ना जाए। अगर जाएगा तो फिर कभी वापस ना आए, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकता है। अब हम आपको दूसरे कमरे की तरफ से लेके चलते हैं। शायद हम ही भूल चुके हैं कि वहाँ जाने का, नीचे जाने का रास्ता कहाँ से है। हमें फिर से दोबारा छत के ऊपर आना पड़ेगा। दोस्तों हम आ चुके हैं, हाँ दोस्तों मिल गया रास्ता। हाँ दोस्तों यही वो रास्ता है जिससे शायद हम पहले आए थे, वो रास्ता गलत हमने पकड़ लिया था। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों अब हम, जैसा आपने पहले देखा होगा, सेकंड फ्लोर पर की जो कमरा है वहाँ पे आ चुके हैं। अब हम इसी से उतरते हुए नीचे जा रहे हैं, चलिए आपको लेके चलते हैं। दोस्तों अब हम आपको इस महल को बाहर की तरफ से दिखाएंगे कि यह महल देखने में कैसा है। अब हम इस महल के बिल्कुल फ्रंट साइड में आ गए हैं और यहाँ से आप देखिए इस खूबसूरत महल को, देखने में कितना भव्य और कितना सुंदर दिखाई देता है ये महल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये इस महल को, जिसकी कुछ
यहाँ भी लगभग 2 मंजिल बना हुआ महल था जो लगभग टूट चुका है, अब वहाँ जाना ठीक नहीं है। पर जैसा मैंने आपको कहा था, इस महल के पीछे की तरफ हम आपको लेके चलेंगे, तो आइए मेरे साथ इस महल को अब हम पीछे से देखेंगे। चलिए मेरे साथ और देखिए ये बाहर से और फ्रंट की साइड से बनाया हुआ कितना सुंदर महल है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत महल है। दोस्तों अब हम, जैसा मैंने आपको कहा था कि महल के पीछे की तरफ जाएंगे, हम अब महल के पीछे आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इस सेनापति महल का बैकग्राउंड कैसा है देखने में, और यहीं से आपको सामने सेनापति जी की जो मूर्ति है जो बनाई गई है घोड़े पर सवार, वो भी दिखाई देगी। और इस महल को आप देख लीजिए, 3 मंजिल बना हुआ यह बेहतरीन और बहुत ही सुंदर कारीगरी से बनाया गया ये महल है, जो शायद आज के ज़माने में अब संभव नहीं है। तो दोस्तों आज की हम वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।